नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। मुंबई से सटे थाने की बात करेंगे, क्योंकि थाना आज एशिया में कोरोना का नंबर वन हॉटस्पॉट बन गया है, जिसको लेके यहाँ पे लॉकडाउन है, पुलिस चुस्त दुरुस्त है, दोपहिया वाहनों पे भी तेजी से कार्रवाई हो रहा है, अगर दो लोग बैठ के जा रहे हैं तो चालान हो रहा है, भाजी से लेके सारी दुकानों को बंद किया गया है। लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वर्तक नगर में स्थित डिंपल वाइन शॉप नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। खुलेआम सड़क पे बस के पीछे शराब बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से भाजी वाले पे कार्रवाई की जा रही है, रिक्शा वाले पे कार्रवाई की जा रही है, तो वैसे वाइन शॉप पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि किस तरह से खुलेआम दारू रख के सड़कों पर बेचा जा रहा है, लेकिन यहाँ का एक्साइज डिपार्टमेंट पे सोया है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन सोई हुई है। आखिर क्या कारण है? क्या इनकी मिली भगत और इनके आशीर्वाद से ये गोरख धंधा चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से आम लोगों पे कार्रवाई हो रही है, वहीं इतने बड़े डिंपल शॉप पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए एक युवा ने क्या कहा। मेरा नाम पवन है, मैं आए दिन इस रोड से आता जाता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है जैसे कि ठाणे महानगर पालिका ने आए दिन लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं। नए आयुक्त विपिन शर्मा जिन्होंने आए दिन दो हफ्ते का लॉकडाउन किया था, फिर उस लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाया। 19 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद में जैसा जो दारू बिक्रेते हैं, जो वाइन शॉप वाले, उनको ऑनलाइन दारू बेचने की परमिशन दी गई थी। जबकि ऐसे वाइन शॉप वाले ऐसे ही नहीं, डिंपल ही नहीं, जबकि थाने में बहुत से वाइन शॉप पे मैंने देखा, इन लोग बस के पीछे, डिंपल के जस्ट अपोजिट बस के पीछे लोगों को झोला रख के, इनके जो कर्मचारी है वो लोगों को दारू बेच रहे हैं, लोगों को खुलेआम दारू बेच रहे हैं, लोगों की लाइन लग रही, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की टोटल धज्जियां उड़ी हुई है। ऐसे में क्या कोरोना नहीं फैलेगा? जबकि थाने सिटी ये पूरे एशिया में एक नंबर पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि डबल सीट घूमने वालों पे सरकार, पुलिस प्रशासन 500 रुपए फाइन लगा दे रही है उनको। डबल सीट घूमने से क्या आह्वान करोगे आप यहाँ के पुलिस प्रशासन से और यहाँ के महानगर पालिका प्रशासन से? यही आह्वान है, ऐसे वाइन शॉप जो खुलेआम, जबकि थाने कोरोना के लिए कोरोना का खंड, कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, ऐसे जगहों पर लोगों को लाइन लगा कर दारू बेचा जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी? कि सिर्फ भाजीपाले का दुकान खोला, महानगर पालिका के कर्मचारी आते उन्हें दंड मारते, कोई दुकान खुली दिखी उनको दंड मारा जा रहा है, ये ऐसे वाइन शॉप वालों पे कब दंड मारा जाएगा? जबकि खुलेआम दुकान के सामने बस के पीछे दारू बेची जा रही है, जहाँ पे लोगों की गर्दी हो रही है, ऐसे पे उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? मेरी प्रशासन से एक ही विनंती है, ऐसे वाइन शॉप विक्रेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से एक स्थानीय युवा ने बताया और सवाल भी किया सरकार से कि आखिर सरकार सब पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये वाइन शॉपों पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ परमिशन दिया गया है ऑनलाइन सुविधा पे लोगों को शराब घर पे पहुंचाने का, ना कि इस तरह से रोड पे शराब बिखेर के और बेचने का। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ऐसे दुकानों पर थाने महानगर पालिका, चाहे स्थानीय प्रशासन या एक्साइज डिपार्टमेंट, क्या कार्रवाई करता है या फिर सिर्फ तारीफों की पुल बांधता है। हम आपको दिखाएंगे इसका अपडेट, आप देखते रहिए जेजेबी न्यूज। अगर हमारी इस खबर को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस पे कमेंट कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जेजेबी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार। जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।